तारीख को बीते जो 31 तारीख है 31/3/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि मुंगी बाजार अंतर्गत माड़ी पट्टी है एक जगह, वहाँ पे 4 अपराधकर्मी बैठ करके किसी अपराध की योजना बना रहे थे। जहाँ पे सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे नेतृत्व में थाना प्रभारी DSCP और थाना प्रभारी सेक्टर 12 थाना प्रभारी सेक्टर 6 के द्वारा एक नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया और गठित टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक के पास से मतलब कि कुछ जो रिकवरी है वो एक देसी रिवॉल्वर, सिक्सर और एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोली बरामद किया गया है। जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए उनका नाम है शिवा कुमार, धर्मेंद्र कुमार, पंकज कुमार और आनंद कुमार। इसमें से शिवा कुमार का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और DSCP थाना अंतर्गत ही आर्म्स एक्ट एवं अन्य के मतलब केसेस में सेक्शंस में 4 बार जेल जा चुका है और विभिन्न थानाओं के अंतर्गत कुल मिला के 10 केसेस ऐसे हैं जिसमें वो जेल जा चुका है। शिवा कुमार ही मुख्य सरगना था इसमें और पूर्व में भी ये काफ़ी बार जेल जा चुका है। अभी अन्य का क्या आपराधिक इतिहास है वो हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या योजना, कहाँ तक गिरफ्तारी हुई है? गुंडी बाजार माड़ी पट्टी से। क्या योजना बना रहे थे? इन लोगों का था किसी क्राइम को करने का, पर उससे पहले ही हम लोग को इस बात की सूचना मिल गई थी, वो लोग वहाँ पे बैठे हैं और हम लोग के द्वारा टीम गठित करके उनको गिरफ्तार किया गया। जैसा बताया गया कि शिवा कुमार पूर्व में भी जेल जा चुका आर्म्स एक्ट वगैरह में और ऐसा 10 बार हुआ है, लगभग 10 केस हैं जिसमें वो पूर्व में गया है जेल। तो किसी अपराध को ही कारित करने के लिए वो लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए थे, जिसको हम लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया। मैंने ये धरना पंजाब देने जा रहे थे बताया नहीं, ये लोग नहीं बताए हैं क्योंकि ये लोग बैठे थे, तो हो सकता है कहीं पर कुछ ये लोग घटना बनाए हुए किसी को मतलब किसी पर हमला करना या फिर कुछ ऐसा जरूरी है, हो सकता है ये बात नहीं बताई जा रही।